नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स में। बड़ी और ताज़ा खबर आप सभी के लिए आ रही है दोस्तों। 15 दिनों में जांची जाएंगी 3,20,00,000 कॉपियां। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का कार्यक्रम यहां पे पूरा सेट कर लिया गया है कि कैसे कैसे कॉपियां जांची जाएंगी, क्या क्या सिस्टम से कॉपियां जांची जाएंगी, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक की बने रहिएगा दोस्तों। प्रदेश के 230 केंद्रों में 1,24,000 परीक्षक जांचेंगे कॉपियां। हाई स्कूल में 1,90,000 और इंटर में 1,30,00,000 कॉपियां का मूल्यांकन होगा। तो यहां पे टोटल जो मूल्यांकन होगा वो शुरू लगभग होने ही वाला है दोस्तों। आइए जानते हैं, थोड़ा सा यहां पे खबर ब्लर हो गई है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। खबर आ रही है हमारी अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज से। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कॉपियों का मूल्यांकन 8 मार्च से शुरू किया जा रहा है। 15 दिनों में कुल 3,20,00,000 कॉपियां जांचने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके लिए 1,24,796 परीक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे परीक्षा अच्छे से कॉपियां चेक करना शुरू कर दें। यहां पे बताया गया कि यूपी बोर्ड में अप्रैल के अंत में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा की यहाँ पे परिणाम निकालने की घोषणा कर दी है। यानी कि आपका जो अप्रैल है, अप्रैल के आपके एंड तक की ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मूल्यांकन के लिए प्रदेश में कुल 230 केंद्र बनाए जा चुके हैं। वहाँ पे टोटल टीचर यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कि कौन कौन सा टीचर कौन कौन सी कॉपियाँ जाँचेगा, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक कॉपी आपकी दो टीचर जाँचेंगे। पहला एक टीचर जाँचेगा, फिर दूसरा टीचर जा करके उसको चेक करेगा कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये चीज़ आप पे यहाँ पे नया नियम के अनुसार दो बार कॉपियाँ जाँची जाएंगी। और दोस्तों 7 केंद्रों में टोटल मूल्यांकन चलने वाला है 8 तारीख से। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, आपका मूल्यांकन शुरू हो चुका है दोस्तों। तो यही आ रही थी यूपी बोर्ड की तरफ से ताज़ा खबर, सोचा आप सभी को अवगत जरूर कराता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। शुक्रिया आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।